हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा गिल्ट पे बनी है। बचपन में हम सुनते हैं कि जल्दी से खाना खा लो वरना मम्मी को बाबा उठा के ले जा लेगा। मम्मी को बाबा उठा के ले जा लेगा। बाहर इतने से बच्चे पे गिल्ट डाल दिया। तो मैं सबको यूथ को ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग बचपन से मॉरल साइंस के उसमें पढ़े बढ़े हैं। हाँ। कि वी हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। यस। बट नो वन टेल्स यू टू बी ऑनेस्ट। यस। व्यक्तिगत ईमानदारी भाई। आजकल मेरे को कुकिंग में बहुत मजा आ रहा है। अभी मैंने थोड़े दिन परसों मैंने मोमो बनाए थे। अच्छा। अरे इतने वाहियात मोमो। मुझे बताओ रेमो सर का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है? बहुत बहुत ज्यादा। राघव की लाइफ में, राघव के करियर में। ही इज लाइक अ फैमिली टू मी। मैं उनसे बहुत ज्यादा फैमिली। वो दिखता है सबको कितने कितनी प्यार मोहब्बत यू नो राघव करता है रेमो सर से। बहुत लोग ऐसे होते हैं उनके साथ, मैं देखता हूँ 2400 घंटे रहते हैं, जो उनको बोल नहीं पाते डर के मारे, बिकॉज ये हमारा कल्चर भी एक अजीब है इंडिया में, सर वाला। सर को नहीं बोलेंगे, सर को डर, उससे तुम सीख नहीं पाओगे। तो मेरा और सर का बहुत ओपन रहा है। मेरा सर मुझे पसंद नहीं आ रहा है गाना, क्योंकि सर के लिए भी अच्छा होगा, सर की मूवी आ रही है, हम लोग साथ काम कर रहे हैं, हम सबके लिए अच्छा होगा। तो आई बी ओपन एंड से, तो मेरा रिलेशन बिल्कुल भाई की तरह है उनका। मेरा बड़े भाई हो मेरे, और हर चीज में पूछता हूँ, और ये है, और कुछ भी सजेशन होता है देता हूँ, हंसी मजाक करता हूँ, बिकॉज सो दैट आई मेक हिम फील दैट ही इज अ ब्रदर। इतना ऑनेस्ट ओपिनियन सर एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ही इज द ओनली वन। वो एक ऐसे इंसान है, ही सो ओपन। अगर मैं जाके बोलूंगा सर ये ऐसे ऐसे और ऐसा कर दूंगा, अगर मैं ये डायलॉग को ये कर दूं, हां कर, बड़ा बहुत बढ़िया लग रहा है। ही अंडरस्टैंड्स, ही इज वेरी एक्सेप्टिंग, वेरी एक्सेप्टिंग। हाउ नाइस इज दैट? आई थिंक दैट्स आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर हिज सक्सेस एज वेल। यस, ही इज वेरी ओपन, ही हैज गॉट अ लिबरेटेड माइंड। आई रिमेंबर हैविंग डिनर विद हिम, उनके वाइफ अहमद सर। यस, मतलब एक हम लोग चारों पांचों, और ऑफ कोर्स उमेश एंड हिज वाइफ। देख के पता लग जाता है, यू नो, जब आप उस टेबल पे बैठते हो कि हाउ एक्सेप्टिंग, हाउ ओपन, हाउ लिबरेटेड। वो अपने अच्छे से सब चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, वेरी पोलाइट, पोलाइट, वेरी पोलाइट। मैं लिजेल मैम की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बिकॉज शी इज टफ। वो बहुत लोगों के लिए ऐसे होंगे कि यार ऐसा क्यों, बट शी हैज 8 हैंड्स। क्या बात है, उनके 8 हाथ हैं यहाँ पर। वो मेरी मम्मी और लिजेल मैम, उनको इतना मैं रिकलेक्ट करता हूँ, क्योंकि सब संभालते हैं मेरा काम, घर, बच्चे। क्या बात है, दादी सर। जब दादी दादू थे तब मैं अपनी मम्मी का भी और सर की भी बात, मैम की बात कर रहा हूँ एक साथ। सो मैम, ध्रुव गैब्रियल सर का काम, सर पे जब तक कुछ चीज आती है तब तक लिजेल मैम फिल्टर कर देती है। तो यार वो कोई देखेगा नहीं, नो वन विल सी दिस, बिकॉज़ दिस इज नॉट ऑन, शी इज नॉट ऑन स्क्रीन, शी इज नॉट ऑन स्क्रीन। क्या बात है, शी इज नॉट रेमो, नो वन सीज दैट, बट व्हाट शी डज, ओ माय गॉड, हैट्स ऑफ, दिस इज अनबिलीवेबल। प्लीज क्लैप फॉर हर यार। रिजल मैन, दिस इज फॉर यू, आई मीन आई लव। एक्चुअली बहुत बड़ी बात है कि एक सक्सेसफुल आदमी, ही इज सो सक्सेसफुल, एंड उनके पीछे एक इंसान है जो ये भी मेहनत कर रहा है पूरी शिद्दत से कि ये इंसान भी सक्सेसफुल हो किसी तरह। मतलब यू नो, जो भी उनके लिए पूरी मेहनत शिद्दत कोई किसी और के लिए नहीं करता। अगर आपको कोई सुपर ह्यूमन क्वालिटी मैं दे दूं तो क्या क्या लेना चाहेंगे? सुपर ह्यूमन क्वालिटी कोई, मतलब कोई भी, जैसे लोगों को होता है मैं इनविजिबल हो जाऊँ या ऐसा कुछ, यू नो, वो वाली चाहिए यार मुझे, वो उसकी डॉक्टर स्ट्रेंज वाली। क्या टाइम वाली ना, वो सब करते हैं ना, वो टाइम वाली। कोई ऐसी विश, कोई ऐसा ख्वाब जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है? बहुत, आई हैव लॉट, बहुत सारी ड्रीम्स हैं, ड्रीम्स एंड डिजायर्स। बिल्कुल, ऐसी फिल्म करनी है जिससे मेरे बहुत, जो ऐसा कैरेक्टर हो जिससे मेरे इमोशनल कोर खुले, जो रियल हो, जो ऑनेस्टी से बनी हो। करेक्ट करेक्ट, वैसी कोई फिल्म मुझे करनी है, ऐसा अभी मेरा ड्रीम है। And if God granted you one wish, क्या मांगोगे ऊपर वाले से? तो मैं ये मांगूंगा कि यार मेरा ट्रस्ट मेरे पे कभी खोए ना यार। Okay, I have something for you. A small game we will play. Okay. So we'll play a song. So we want you to do these three hook steps of these three people whom you really like and whom you really love. One is Michael Jackson. Okay. One is Prabhu Deva and one is Remo sir, of course. Okay. मतलब यही तीन, we don't know. Remo sir का आज तक मुझे hook step नहीं आया। Are you serious? कुछ बहुत difficult रहते हैं। बहुत difficult सा है वो, कुछ है ऐसा करके करते हो। Let's play the music. Michael Jackson, Raghav. Wow! Michael Jackson. Prabhu Deva. Play the music. Play the music. And your favorite, Remo sir. Remo sir करते हैं. And of course. तो फरमाइश आ रही है अभी, माइकल जैक्सन एक बारी, ठीक है।
Awesome. One, of course, your slow motion. Give a standing ovation, I must say, this is amazing. Thank you. Small gift hamper from Mufti. This is for you. Actor, dancer, host. Kya zyada pasand hai? Host to normal, wo main hi hu. Host ka to aisa kuch professional wo nahi hai. But log behad pasand karte hain Raghav ko as a host, as who he is. Wo jaisa main hu. Dancing maine bahut maze liye hain. Yes. Compare nahi kar pa raha hu main. But aajkal I love being in this acting culture because ye sari cheeze mujhe wahan pata lagi ki mere insecurities mein chupa raha tha. Dancer mein kya wo physical thi hai. It is more physical, correct, you know, correct emotional core. Bahut maza aa raha hai. So right now is acting. Kya pata kal ko kuch aur ho. Horse riding good. Matlab you are enjoying that emotional core. Raghav बहुत ज़्यादा एक्टिव है एनवायरमेंट अवेयरनेस के लिए. बहुत लोगों को आई थिंक मैंने देखा है राघव इंस्टाग्राम पे बोलते हैं कि प्लीज़ यू नो एनवायरमेंट को दूषित मत करो, पोल्यूट मत करो. ये कहाँ से आती है? जितना हो सके उतना मैं कोशिश करता हूँ लोगों को अवेयर करूँ कि ये चीज़ है. और मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे पास प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम. करेक्ट. और लोग आपको सराहते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आइडलाइज करते हैं, आपकी बात लोगों तक पहुँचेगी. हाँ, जैसे आप करते हो बहुत सारी, मुझे अच्छा लगता है आप सही चीज़ शेयर करते हो, उस प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज करते हो. थैंक यू. हम यही कोशिश करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म दिया. आई थिंक यू हैव मेड इट वेरी करेक्टली. बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को ये भी कहते हैं कि गलत है, ये है, इनसेन कर देता है. मेरा भी मानना यही है कि एक प्लेटफॉर्म है, आप कैसे यूज करना चाहते हो ये आपके ऊपर है. सो इट स्टार्टेड हैपनिंग फॉर यू एज वेल. मतलब वो अवेयरनेस धीरे धीरे जो आई है वो काफी सालों से शुरू से था. मेरा शुरू से नहीं था, मेरा अभी कुछ टाइम में शुरू हुआ. नहीं, शुरू से था बट वो, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं था कि इसे प्रमोट करना पड़ेगा. लेकिन वो मैंने जब इंटरनेट आया, जब सब जगह ऐसा हुआ कि प्लास्टिक जा रहा है ओशन में और ये हो रहा है और वो हो रहा है, मैं भी जाते रहता हूँ कभी बीचेस में कभी कहीं, तो मैं तो बचाना है ऐसे बचाना है किसी कुछ कुछ भी करके ऐसे बचाना है यार. कुछ भी क्या करो, कुछ बोलो लोगों को, कुछ करो. नहीं नहीं नहीं, ये मत फेंको. यहाँ पर कभी कोई बियर का कैन फेंक देता है बाहर. इंडिया में तो बहुत है और बाहर नहीं देखता हूँ मैं. बाहर नहीं है लोग डरते हैं ना लॉस से. यहाँ लॉस से डरते नहीं है, लॉस से डरते हैं, बाहर नहीं है. ये एक चीज है. दुबई में करके दिखा दो आप, जरा सिंगापुर में करके दिखा दो. वहाँ कोई इंडियन नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, वहाँ नहीं करेगा कोई, सब यही करते हैं. प्लीज यार राघव, ने रिक्वेस्ट किया आप सबसे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू दैट. इट रियली एक्चुअली इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर आर एनवायरमेंट. Prioritize these four things in life: career, family, myself, beloved. सबसे पहले family, myself. फिर क्या था? Career, family. Career, family, beloved. Yes, family में beloved भी आती है. तो वो beloved का तो काट गया है. ठीक है, family, beloved. beloved को काट दो. beloved को काट दो क्योंकि beloved family में है. Family और career. एक second, मैं confused हो रहा हूँ अभी. सर, सुनो ना. Career सबसे पहले. Family और beloved में से क्या? Sorry. बिलावेट को तो फैमिली में घुसाओ. ठीक है, बिलावेट को फैमिली में घुसा दिया हमने. बिलावेट को फैमिली में घुसा दिया तो फिर क्या था? करियर बच गया. फिर करियर अपने में बेचारा नीचे हो गया. करियर हो गया कि, लेकिन क्या है, करियर की वजह से ही फैमिली संभाल पाएंगे हम, है ना? करेक्ट. तो करियर थोड़ा ऊपर रख लेते हैं. करियर को फैमिली से पहले ले आता हूँ. हाँ, अगर मैं डांस एक सेकंड के लिए ले लूँ आपसे, छीन लूँ, तो क्या राघव की जिंदगी पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका? ऐसा नहीं बोलूँगा मैं कि मैं मर जाऊँगा डांस के बिना, डांस के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है. नहीं भाई, मैं और चीज़ें कर, खाना मोमो बनाऊँगा. है भाई यार, मोमो बनाऊँगा भाई यार, मोमो सेंटर खोलूँगा. 10 चीज़ें हैं, बहुत सारी ट्रैकिंग है, मेरे दोस्त हैं वहाँ पर, मैं नदी में मैं गाइड बन सकता हूँ. सो नाइस. Art is a part of life, but it is not life. Life is much above than. Sorry, sir. क्या बात है? उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है. I want you to close your eyes for 20 seconds. मैं एक सवाल पूछूंगा. जो भी सवाल का जवाब आए ना, राघव बोल सकता है. कोई ऐसा वक्त जब आपने अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड महसूस करवाया हो अपनी अकम्पलिशमेंट्स की वजह से? आई थिंक जब DID से वापस आया था मैं. माला वाला लगाई हुई थी, तो DID से वापस आए थे हम, तो था मम्मी पापा दादू दादी, बहुत प्राउड महसूस हुआ था उनको. हो रहा था वो जिस जिस चीज में वो डांटते थे, वो उसी चीज के लिए वो प्राउड कर रहे थे. क्या बात तो है. एक था. हाँ,
कोई ऐसा लम्हा या कोई ऐसा वक्त जब खुद को आपने अकेला महसूस भी किया हो, कभी ऐसा कोई टाइम भी था बीच में यू फेल्ट स्लाइटली अलोन एंड यू फेल्ट कि नहीं यार चीज़ें वर्कआउट कर नहीं रही हैं, मतलब एक टाइम था जब तो करी हैं लेकिन चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही, सब चीज़ें बिखर रही हैं, मैं कर भी रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा, फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है। एक वक्त तो अभी थोड़ा टाइम पहले ही था, मेरे को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो गई थी। ओके तो मेरे को एक एंग्जाइटी अटैक आ गया था, आता था आ रहा था पब्लिक में, ज़्यादा पब्लिक में जैसे बहुत सारे लोग उसका था। हम थे इधर लोअर परेल में, तो वहाँ पर आया तो मेरे साथ मेरे दोस्त थी वो भी थी, तो मैंने ना आया मेरे को फोटो वोटो खिंचाने आया वो सेल्फी, मैंने बोला मेरा भी मन नहीं है सेल्फी खिंचाने का। करेक्ट, मेरे को इतना गुस्सा आया पता नहीं, वो मेरे को करना नहीं चाहता, मैंने वहाँ पर हटाया और भाग गया वहाँ से। हाँ, तो भागा एंड तक। हाँ, और मैंने टैक्सी पकड़ी मैं घर, क्योंकि वो एंग्जाइटी अटैक आया तो होने लग गया था मुझे, बट इट अभी नहीं होता वो जब से मैंने, एक साल पहले की बात है। बट वो किस वजह से हुआ है कभी सोचा? मेरे ख्याल से पब्लिक और सेल्फी, और मुझे मैं अपने इम्पल्सिस नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं अपना मूड, मैं उनके सामने नाइस नहीं बन पाऊंगा ना, मेरे अंदर ये भी तो प्रॉब्लम थी मेरे ख्याल से कि आई कांट बिकम नाइस इन फ्रंट ऑफ पीपल। आई गेट इट, आई डोंट वांट टू क्लिक अ सेल्फी, ओ देखो तो डाउन टू अर्थ नहीं है तो हम्बल नहीं है तो, अरे नहीं यार मेरा मन नहीं है, मेरे दादाजी मरे हैं कुछ है मेरे को, मेरा मन है यार ये एक तरह से आप किसी के वो नहीं कर सकते, क्या बात है, खींचनी पड़ेगी हमें, क्यों? सही बात, मेरी लाइफ है यार, मैं नहीं, क्या पता आज मन है सेल्फी खिंचाने का, बहुत लोग होते हैं मन नहीं होता फोटो खिंचाने का, ये समझते नहीं है लोग यहाँ पर, स्पेशली इंडिया में, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस, दे डोंट अंडरस्टैंड इट। थ्री लाइफ लेसंस दैट यू हैव लर्नड एंड यू वांट टू शेयर इट विद एवरीवन। नेवर बी इन गिल्ट, नेवर पुट योरसेल्फ इन गिल्ट, और दो लेसंस ये है कि बी ऑनेस्ट और डोंट बी नाइस, और थर्ड लेसन ये है कि डोंट स्टॉप योरसेल्फ, डोंट लेट एनीबॉडी स्टॉप योरसेल्फ, तुम्हारे को रोकने का किसी को हक नहीं है, और कोई रोके भी तो उसकी सुनो मत, बिकॉज जो चीज तुम्हें रोक सकती है वो तुम खुद हो। The only person, yes, the only person. Person you're stopping yourself is you. Yes, is you. Correct. कोई आपकी insecurity क्या है? मैंने कभी ना दूसरे के लिए मतलब insecurity महसूस नहीं की है कभी। दूसरे के लिए? Insecurity महसूस नहीं की है किसी और इंसान के लिए। अच्छा। कि insecurity मुझे हमेशा से था कि यार जो मुझे मिलना है ना वो मुझे ही मिलेगा। शायद लेट मिल जाएगा। हाँ। शायद जिसको 2 साल में मिल गया मुझे 12 साल बाद मिलेगा। हाँ। लेकिन मिल जाएगा मुझे। हाँ, ठीक है। तो जो मेरा है वो मेरा है जो भी है। हाँ, मतलब उसको कोई मुझसे छीन नहीं सकता। मतलब वो कहते हैं ना अपने गम की यूँ नुमाइश ना कर, अपने नसीब की यूँ आजमाइश ना कर, जो तेरा है वो तेरे पास खुद चल कर आएगा, तू रोज इसे पाने की ख्वाहिश ना कर। अरे वाह क्या बात, मतलब ये क्या बात है, ये अपने गम की गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरबानी में लिखा है। एक्चुअली मैं भी भैया के साथ 4 महीने से जुड़ा हूँ, कुछ भी मतलब मैं सेट पे जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ जब भैया ने एकदम से बाल निकाल दिए तो वहाँ पे सब सेट वाले बोले, वो प्रोडक्शन आस वाले सब बोले थे यार ये क्या कर दिया राघव जी, बोलते यार मैंने कर दिया, मेरे को दिलाया तो कर दिया। तो मैं वो चीज़ें देखता हूँ भैया के अंदर, अभी बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे देखता रहता हूँ भैया के, अभी घर में जो घर में खाना बनाने वाला है जो राकेब है अभी वो, उसको थोड़ा डांस का शौक है, तो भैया बोले अभी मैं जा रहा हूँ शूट के लिए बाहर, तो तुम एक काम करना बस ही, मैंने तेरे लिए पैसा भर दिया है और वहाँ पे जाके तू एक डांस का कोर्स करना। क्या बात है, सो नाइस। तो जो भी ये कभी मैं काफ़ी लोगों के साथ काम किया है, इंडस्ट्री में काफ़ी साल से कर रहा हूँ, मैं काफ़ी साल से काम कर रहा हूँ, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के साथ काम किया है मैंने, मैं भैया के साथ 4 महीने से जुड़ा हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब एकदम मनमौज ही है ये कुछ भी जो आता है वो कर डालते हैं, और ऐसा नहीं है अभी आप पहुँच जाओ घर पर तो बोलेंगे ये काम करो तुम गाड़ी लेके भैया को छोड़ के आओ, मेरे रिक्शा से निकलता हूँ। पता है मुझे, आई कैन बिलीव इट कंप्लीट। हेलो, माय नेम इज सिमरन। हाय सिमरन, आई एम अ ह्यूज नॉट फैन, आई एम इन लव विद राघव। ओके, सॉरी, लव विद राघव इन योर डांस एंड एवरीथिंग, बट आई वांट टू आस्क यू दैट कि अगर आपको सक्सेस का इतना मैं बोल सकती हूँ मोह नहीं है, या फिर ये कभी था ही नहीं, या फिर आपको बाद में ये रियलाइज हुआ है कि नहीं ये अच्छी बात नहीं है तो ये मैं छोड़ रहा हूँ, या फिर आपको कभी था ही नहीं, क्योंकि जैसे मैं आपको देखती हूँ, मैं आपको बहुत फॉलो करती हूँ। था मेरे अंदर, मेरे को प्रूफ, मैंने बताया ना कि मेरे को प्रूफ करना था, मेरे अंदर था, मैं झूठ बोलूँगा अगर मैं बोलूँगा नहीं यार मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं था, मुझे दिखाना था, मेरे को प्रूफ करके दिखाना था, सक्सेस मिला ये हुआ, शुरू शुरू में अच्छा लगा कि लोग मुझे इतना सब जानते हैं, अभी भी कभी कभी आता है कि, लेकिन फिर यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट, तुम्हें पता होना चाहिए ये ज़िंदगी नहीं है, इस पर टिके नहीं रह सकता मैं।
जब शुरू शुरू में जब आप किसी चीज को पाते हो या पाने की चाहत रखते हो तो आप बहुत ज्यादा उसको लोगों को प्रूव करने के लिए करते हो, लेकिन एक टाइम आता है जब आप उस चीजों से आगे बढ़ जाते हो, तब आपको समझ में आता है कि कब तक प्रूव करते रहोगे, प्रूव कर करके जिंदगी खत्म हो जाएगी, इससे बेटर है कि अपने लिए करो, फिर आपका धीरे धीरे चीजों से फिर मुंह हट जाता है। हेलो सर, माई सेल्फ पवन। एक्चुअली आई वॉन्ट टू आस्क यू, जैसे डांस प्लस टू के टाइम पे सुशांत ने आपके लिए एक डांस डेडिकेट किया था, दैट टाइम यू सेड कि मुझे रोना आ रहा है बट मैं नहीं रो पा रहा हूँ, तो ऑन स्क्रीन आप नहीं रो सकते हो या आप इमोशंस इतने नहीं दिखा नहीं, सकते नहीं, तब मैं नहीं रो सकता था, मगर अभी थोड़े टाइम पहले तक मैं बहुत रो रहा हूँ। ये था एक साल पहले की बात है, डांस प्लस टू दो साल पहले की बात, दो ढाई साल, दो तीन साल हो गए, दो तीन साल पहले की बात है, तब मेरे इमोशनल कोर्ड्स नहीं खुले थे। आई हैव वर्कड ऑन इट अ लॉट, आई हैव वर्कड ऑन इट अ लॉट, यू नो वी हैव स्टिमुलाई जो हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, स्टिमुलाई पे करते हैं रिस्पॉन्स, उसने कुछ बोला वो स्टिमुलाई हुआ फिर वो रोना आया अपना आप, तो वो अब आ जाता है। सर अर्पित हियर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, आपका बिगेस्ट अचीवमेंट? दिस अचीव, ये अचीवमेंट था मेरे लिए जो मैं रोना स्क्रीन पे, अपने आप को बाहर निकालना। आई वॉज सो हैप्पी आफ्टर दैट कि यार मेरे को अब कोई इनिबिशन वो नहीं है कि मेरे को रोना नहीं है, कोई जज कर रहा है या किसी कर रहा है, जज कर रहा है कि रो रहा है या फिर ऐसा ही इमेज पोर्ट्रे कर रहा हूँ मैं कि मैं हैप्पी वाला हूँ, मैं हमेशा हंसाने वाला हूँ, करेक्ट, एंटरटेनमेंट मंकी हूँ, नहीं, एंटरटेनमेंट मंकी, समझ रहे हो, बिगेस्ट अचीवमेंट। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, जैसे कि मैं आपसे डेली इंस्पायर होता हूँ, डेली आपकी वीडियोस देखे बिना सोता नहीं हूँ, वैसे ही जैसे कि आप किससे इतना इंस्पायर, जैसे कि लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो किससे इंस्पायर होते हो आप? मैं यार पहले तो बचपन में, जैसे तुम्हारी उम्र क्या है, 18 में यार मैं बहुत से था इंस्पायर, माइकल जैक्सन जैसा बनना है, अभी मुझे और मैं बनना है और ऑनेस्ट होना है और मैं बनना है, क्या बात, क्या बात, थैंक यू सो मच यार, थैंक्स 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 अ टन, आई लव यू मैन, दिस इज सो नाइस एंड सो अमेजिंग, यस आई हैव समथिंग फॉर यू, थैंक्स, थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग such amazing beautiful valuable moments with us, thank you for arranging this, aur aap jo ye kar rahe ho bahut, that's why I asked from, maine message kiya aapko, thank you, I want to do it, so guys mere sare doston ko main ye bolna chahta hu ki agar aapko ye video aur hamari jo interview hai aur hamari jo baatein hai wo pasand aayi to aap please subscribe kijiye aur wo ghanti jo hai button usko click kijiye, subscribe kijiye aap hamare channel mein, bhai ke channel mein, wo hai share and grow initiative, बिकॉज जब तक आप शेयर नहीं करेंगे आप ग्रो नहीं करेंगे। पागल हो गए ने, गिन गिन लक दे हुलारे। मैं सुबह उठता हूँ मम्मी बोलती कि यार ये अनोखे बच्चे पैदा हुए, ठीक है ठीक है, प्यार है तो है यार, अब हर बार कमेंट में करना जरूरी तो नहीं है ना, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, करेक्ट, अब मैं तुमको घर में बता सकता हूँ, मिलूंगा तो बता दूंगा कितना प्यार करता हूँ, कॉमेंट तो करूँगी हाँ बेबी आई लव यू सो मच, दुनिया को दिखाने के लिए, हाँ तो मुझे बहुत मस्त, मैं देखो आपके लिए नई दाढ़ी मूछ बना के आपने लास्ट देखा था, मैंने दाढ़ी नहीं काटी थी, मैं आज ही दाढ़ी काटी है, एक्चुअली मेरे को ना एक फोन लेना था, मेरा फोन ऑटो में खो गया, अब मुझे आईफोन ही चाहिए था, मैं पापा को बोला बाबा मेरी पेमेंट आने वाली है, आप मुझे अभी पैसे दे देंगे, आपको जैसी पेमेंट आएगी आई विल गिव यू मनी बैक, सेंड इट, मुझे तुमसे एक रुपये की उम्मीद नहीं है। पापा ने कहा तुम मुझसे भी एक रुपए की उम्मीद मत रखो।